अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मूड था एक क्विक सी पेंटिंग बनाने का, तो सोचा एक पेंटिंग कर लेती हूँ। और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, ये DIY क्राफ्ट्स के लिए मैंने यूज़ करने हैं। तो मैं कुछ भी घर में आता है ना, इसमें क्रॉकरी या कुछ भी रिलेटेड, यानी कि शूज़, एनीथिंग, मैं बॉक्सेस जो हैं उनको जमा कर लेती हूँ। यहाँ पे अभी थोड़े से पड़े हुए हैं, बाकी सारे स्टोर में मैंने जमा किए हैं। तो मुझे जो है इनको इनकी इनका क्राफ्ट बनाने का बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोगों से शेयर भी करती होती हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता। तो अभी हम बनाएंगे पेंटिंग। और ये हो गया है रिमूव, स्टार्ट करते हैं अपनी पेंटिंग। मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग, तो मुझे चाहिए व्हाइट एंड ब्लैक कलर ओनली। वन पैलेट, वन बिग ब्रश, वन स्मॉल ब्रश, वन कपड़ा ब्रश साफ करने के लिए, पानी। आप कह रहे हैं कितना डर्टी डर्टी सा है, बट पेंटिंग्स जो करते हैं उनको पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंटीक पीसेज होते हैं ये, दीज आर नॉट डर्टी थिंग्स, दीज आर एंटीक पीसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। सबसे पहले मुझे चाहिए वाइट कलर, क्योंकि मैंने बेस बनानी है। ऑलरेडी वाइट है, बट इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक पेंट जो है, टाइटेनियम वाइट का बेस जो है, लाजमी हमें देना होता है। उसके बाद मैंने हल्की फुल्की सी ब्लैक से कुछ काम करना है। अभी आप देखिए और बाद में देखिएगा। क्योंकि मेरा कलर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसमें कर लेंगे ब्रश को वेट, वरना मैं इसको बॉक्स से आउट करती हूँ। अभी मैं इसकी बेस बना रही हूँ। बेस हमारी रेडी है और ड्राई भी हो चुकी हुई है। अब हमने इस पर क्या करना है, ब्लैक लेना है हमने एक्रेलिक कलर, और इससे हम थोड़ी सी मीनाकारी करेंगे और हमारी पेंटिंग हो जाएगी रेडी। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रश मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया ताकि ज़रा जल्दी काम हो जाए। One more line to go. तीनों लाइंस कंप्लीट हैं। अब मैं इन पे बिठाऊंगी बर्ड्स छोटे छोटे से।
ये हमारी जी क्विक सी रेसिपी जो है पेंटिंग की वो हो गई है तैयार, यानी कि आप इसको रेसिपी बोल सकते हैं, ठीक है, मेरी भाषा में यही बोलते हैं लैंग्वेज में। वो बस आदत है ना, बहन भाइयों के साथ भी हम इस तरह से हंसी मजाक करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ भी कर लेती हूँ। तो जी ये मेरी क्विक सी पेंटिंग रेडी है, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये जो दो बर्ड्स हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये जो नीचे दो बैठे हुए हैं ये दोनों आपस में नाराज़ हैं। तो हमारी पेंटिंग हो गई है रेडी, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब, जो कि है पोटैटो फ्लावर्स। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। खाली बॉल, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1/4 हिस्सा हमने लेना है सॉल्ट का, और 1/4 हिस्सा हमने लेना है अजवाइन का। और अजवाइन को हमने अच्छे से मसल के फिर हमने इसको ऐड करना है। रमज़ान शरीफ में जितने भी फ्राइड चीज़ें होती हैं वो आप बनाएं, जो इस टाइप की होती हैं मिक्सचर वाली, तो उसमें अजवाइन आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि इससे ना तो पेट का दर्द होता है और हाजमे के लिए बेहतरीन है। तो जी अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम आम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। और जी ये हमारी जो डो है बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी हुई है, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। आलू का अमेजा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पोटैटो, उनको अच्छे से मैंने बॉईल करने के बाद मैश कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था, तीखी वाली हरी मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून क्रश्ड चिली जो होती है, और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। स्पून से अच्छे से नहीं हो रहा था इसलिए मैं हाथ से शुरू हो गई हूँ, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं उसकी जगह ब्रेड क्रम्स, और अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है तो आप उसकी जगह ऐड कर सकते हैं मैदा थोड़ा सा। इसको हम मिक्स करते हैं, और ये हमारा आलू का अमेजा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसकी बनाएंगे बॉल, कैसे, ऐसे। ये हमारी बॉल्स बन चुकी हुई हैं पोटैटो की, और अब हम बढ़ते हैं अपनी डो की जानिब, अब हम इसके साथ कुछ करते हैं। सबसे पहले हम इस पर स्प्रेड करेंगे थोड़ा सा मैदा, ताकि जो ये हमारी डो है हम इसको अच्छे से बेल सकें। ये हमारी डो जो है वो मैंने बेली हुई है, उसके बाद आप कोई सा भी गिलास लें, स्टील का लें या फिर कांच वाला ले लें, आपने इसको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। लाइक दिस हमने सारे जो सर्कल्स हैं वो पहले से ही रेडी कर लेने। और लास्ट वन, डो के हमने तमाम सर्कल्स बना लिए हैं। अब हमने करना क्या है, एक हमने पीस लेना है, उसकी हमने इस तरह से कट्स लगाने हैं, 4 कट्स,
मेक श्योर कि जो सेंटर पॉइंट है उसको कट नहीं लगाना। ये हमारे फोर कट्स लग गए हैं। अब हमने जो ये पोटैटो बॉल बनाई थी वो हम रखेंगे सेंटर में, और उसके बाद हम हल्का सा जो पानी है वो इसके एजेस पे लगा लेंगे। उसके बाद हमने वन बाय वन जो है इसको उठा के इसके साथ अटैच करना लाइक दिस। ये हमारा बहुत प्यारा सा फ्लावर बन जाएगा। ओके, एंड दिस। लुक एट दिस, ये है जी हमारी पोटैटो की, नहीं हमारा पोटैटो का फूल, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटैटो फ्लावर। और अब हम जो ये तमाम हमारी चीज़ें पड़ी हुई इनको इस तरह से फ्लावर बना लेंगे, कैसे, ऐसे। और ये हमारे पोटैटो के फ्लावर्स सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई एंड इग्नोर दिस मेस। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। ऑयल हो गया हमारा गरम, और अब हम ये जो पोटैटो फ्लावर्स हमने बनाए थे वन बाय वन हम इसमें ऐड करेंगे, बट बहुत ध्यान से, ये पहले भी जो है वो करता है, शुक्र है नहीं हुआ। वन बाय वन हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, 8 से 9 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई होने देना है। और जी ये देखें, ये हमारा फ्लावर पोटैटो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन मैं इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब ये लाइट से थोड़ा सा हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार, क्रिस्पी और लाइट लाइट स्पाइसी से पोटैटो फ्लावर्स रेडी हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मुझे दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।